हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में पूछते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दिया है, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। ऑप्शन है फ्लेमिंग, लुवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका नाम रॉबर्ट हुक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। यानी कि कोशिका के अंदर जब राइबोसोम नहीं होगा तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं होगा। ऑप्शन दिया है श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन संश्लेषण। अगर राइबोसोम नहीं होगा कोशिका में तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। ऑप्शन दिया है गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, प्लास्टिड। तो ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिड, ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। ऑप्शन दिया है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, दोनों प्लास्टर, अंत प्रद्वी जालिका। तो कोशिका भित्ति ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रिका, गाल्जिकाय। तो ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है ये कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जिका, राइबोसोम। तो ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है यहीं पे प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी। ऑप्शन है अल्टमैन, डी दुबे, पैलेड, टी बोवरी। तो ऑप्शन नंबर एक, अल्टमैन। अल्टमैन ने सबसे पहले माइटोकांड्रिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम कार्य करता है। ऑप्शन दिया है प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंत कोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में। तो जो लाइसोसोम होता है ये अंत कोशिकीय पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, माइटोकांड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन है कवक में, जीवाणु में, हरे शैवाल में, ईस्ट में। तो जीवाणु, जीवाणु के अंदर माइटोकांड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है या किसका कथन है। ऑप्शन लैमार्क, हेनरी, हैक्सले, ट्रेविरेंस। तो हैक्सले, हैक्सले ने कहा था कि जीवद्रव्य जो होता है ये जीवन का भौतिक आधार होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रण होती है। ऑप्शन दिया है केंद्रिका द्वारा, माइटोकांड्रिया द्वारा, जीवद्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक द्वारा। केंद्रक जो होता है ये कोशिका के अंदर जितने भी क्रिया होते हैं ये सारे क्रिया को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है। ऑप्शन दिया है हाफ मिस्टर, वाल्डेयर, सूटन, वैगनर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वाल्डेयर। वाल्डेयर ने सबसे पहले गुणसूत्र शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। ऑप्शन दिया है जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में, लाइकेनों में। तो ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु में। जीवाणु के अंदर वास्तविक रूप से केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन है गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ऑफियोग्लोसस में। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑफियोग्लोसस में सबसे अधिक मात्रा में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है यह किससे बना होता है। ऑप्शन दिया है केवल कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, केवल केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एंड अन्य कोशिकांग। तो ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और उसके साथ साथ दूसरे कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय व अन्वीक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन मुंबई में, कलकत्ता में,
बेंगलुरु में, हैदराबाद, तो ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, ऑप्शन दिया है माइक्रोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। तो जो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कोशिका अंगों को में कौन सा एक अर्धपारगम्य में है, ऑप्शन दिया है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है यह अर्धपारगम्य में झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक इमारत में जीवों में समान होती है, ऑप्शन दिया है कोशिका, ग्रंथियों, उत्तकों, अंगों। तो ऑप्शन नंबर ए कोशिका, कोशिका जो होती है ये दोनों में समान होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, माइटोकांड्रिया का भीतर वलन कहलाता है, यानी कि माइटोकांड्रिया का जो अंदर का पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्शन दिया है क्रिस्टी, ऑक्सियोसोम्स, मैट्रिक्स, क्रोमोसोम्स। तो माइटोकांड्रिया के अंदर जो एक वलन पार्ट होता है उसको क्रिस्टी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी, ऑप्शन दिया है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रूक, डेवी थॉम्सन, मेरी फ्रेक नोइक। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं कि 1665 में कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया था, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए, ऑप्शन दिया है माइटोकांड्रिया, प्लास्टिड, गॉल्जी ऑपरेटस, रितिकाएं। तो ऑप्शन नंबर सी गॉल्जी ऑपरेटस, ये पैकेजिंग एरिया का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं, ऑप्शन दिया है प्लाज्मा झिल्ली, साइटोप्लाज्म, नाभिक झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, ऑप्शन दिया है विसर्जन, प्रसार, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस। तो ऑप्शन नंबर डी एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी भी कंपोनेंट को इजीली इनसाइड एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंगों के बारे में सही नहीं है, ऑप्शन दिया है ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, ये बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं, ये कोशिका उत्पादन के लिए संवयन करते हैं, ये छोटे आकार के होते हैं, ज़्यादातर आंतरिक रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ये सभी बहुकोशिकाओं जीवों में पाए जाते हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से पानी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है, ऑप्शन दिया है प्रसार, ऑस्मोसिस, ए और बी, ना तो ए ना तो बी। तो इसमें जो होता है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक जीव का नाम बताएं जो एकल गुणसूत्र वाला होता है और उसमें कोशिका का विभाजन विखंडन या बाइंडिंग के माध्यम से होता है, ऑप्शन दिया है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, बैक्टीरिया, आदि मानव या तो आदिम जीव। देखो अब क्या बोल रहा है कि कोई ऐसे एनिमल का नाम बताओ जो एक गुणसूत्र वाले होते, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोकैरियोट। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनके अंदर एक ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें पुटिका की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के साथ मिलती है और अपने पदार्थ को आसपास के माध्यम में डाल देती है, ऑप्शन दिया है एक्जोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, प्रसार। तो ऑप्शन नंबर ए एक्जोसाइटोसिस। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं, ऑप्शन दिया है कोशिका द्रव्य, एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्लू ग्रीन सवाल होते हैं, ऑप्शन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी। तो जितने ब्लू ग्रीन सवाल होते हैं ये सारे
प्रोकैरियोट होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। थैंक यू।